हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड अप। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के UPSI की 2016 और 17 में जो आई वैकेंसी थी उनके बारे में बात करूंगा। 3307 पदों पर, 3307 पदों पर जो भर्ती हुई थी उसका जो आयोजन हुआ था उस पर जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी 12 दिसंबर 2017 से लेकर 23 दिसंबर 2017 के बीच में आयोजित हुई थी। तो उस परीक्षा का जो रिजल्ट आ चुका था, जिसमें आज कुछ करेक्शन आया हुआ है, जिसमें कुछ क्वेश्चन में करेक्शन है, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज किए गए हैं, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस को बढ़ाया गया है। तो उसमें उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्पीडअप का चैनल है। हमने यहाँ सबसे पहले गूगल पर आए, UPPRPB वेबसाइट खोली, फिर हमने इस पर लिंक किया, क्लिक किया, फिर हमारे सामने ये पोर्टल ओपन होकर आएगा, ये पेज ओपन होकर आएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अभ्यर्थी यहाँ पे क्लिक करें, ये आपको विंडो पे ये दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा अभ्यर्थी, यहाँ पे क्लिक करें। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे आपका यूजर नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपसे डेट ऑफ एग्जामिनेशन पूछेगा। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे जो आपने एग्जाम देते टाइम फिर आपके पास एक एडमिट कार्ड में आया था। ठीक है, तो आप फिल कर देंगे, जैसे मैं आपके सामने एक डेमो के तौर पर फिल कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी जन्म में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो बर्थ है आपका 1994 है, 1993 है, जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे 93 सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लेंगे, मैं यहाँ पे दिसंबर कर रहा हूँ और 14 दिसंबर मैं एक यूजर का डेटा फिल कर रहा हूँ। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे स्टूडेंट्स इस आइकन पे क्लिक करके। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तब आप सबसे पहले ईयर को फिल करेंगे, देन मंथ को, देन डेट को। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे आपको इंटर डेट ऑफ एग्जाम, कब आपने एग्जाम दिया था, 12 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपने एग्जाम किस डेट पर दिया था वो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो ये इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें ऑलरेडी आपका ईयर और मंथ सिलेक्टेड है, बस आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी है, 12 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में जो भी डेट है आप उस पर सेलेक्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे 14 दिसंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, एंटर द टेक्स्ट जोन बिलो, यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया हुआ है ये कैप्चा कोड है, वो हम फिल करेंगे। आपके सिस्टम का कोड डिफरेंट होगा तो आप अपने सिस्टम का कोड एंटर करेंगे, ना कि यहाँ से कॉपी करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं आपके सामने फिल कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप सबमिट करेंगे, इसके बाद सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका ये पेज ओपन होकर आएगा। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखा होगा, कैंडिडेट नाम लिखा होगा, आपका नेम लिखा होगा और आपने किस डेट पे एग्जाम दिया था वो आपके सामने लिखा होगा स्टूडेंट्स। तो आप इसे मैच करा लेंगे कि आपका ही पोर्टल ओपन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन लिखी है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष या महिला एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2016 के अंतर्गत कुल 3307 पदों को भरे जाने हेतु ऑनलाइन परीक्षा दिनांक 12 दिसंबर 2017 से 23 दिसंबर 2017 के मध्य आयोजित की गई थी। जो आपने एग्जाम 12 दिसंबर 2017 से 23 दिसंबर 2017 के बीच में दिया था, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है स्टूडेंट, आपका जो एग्जाम हुआ था उसका जो एग्जाम जो आया था, रिजल्ट आया था, मतलब कि रिजल्ट आया था और जो उसकी आंसर की थी वो अवेलेबल थी 27 अगस्त 2018 से लेकर 2 सितंबर 2018 तक अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करता हूँ आगे, इसमें करेक्शन क्या है, क्या त्रुटियां आई हैं जो हमें ठीक करनी है और अपने कट ऑफ को चेक करना है, और जो गलतियां हमसे हुई हैं या जो बोर्ड से गलतियां हुई हैं वो गलतियों के बारे में चर्चा की जा रही है। ऐसे गलत प्रश्न जिन्हें निरस्त कर दिया गया, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो UPSI की तरफ से, रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन गलत हो गए थे, उन क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया यानी कि हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है या नहीं अटैम्प्ट किया है या गलत अटैम्प्ट किया है, कोई भी स्थिति होगी उनमें सबको बराबर मार्क्स मिलेगा, उनको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में हर एक स्टूडेंट्स का लाभ होने वाला है, ये आप लोगों के लिए खुशखबरी की न्यूज़ है, जब प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर विकल्पों को परिवर्तित कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि अगर ऑप्शन ए आपने भरा है लेकिन वो ऑप्शन ए सही पहले था, लेकिन किसी कारणवश वो क्वेश्चन उस टाइम गलत था, अभी इस टाइम उसका ऑप्शन ए को हटाकर बी कर दिया गया है, तो जिन भी विद्यार्थियों ने पहले ए क्लिक किया था, ए पे आंसर दिया था, वो अब उनका गलत हो गया है। तो जिन्होंने बी पे क्लिक कर रखा था उनके हिसाब से वो सही था, पर उस दौरान उसको गलत आंसर की आ जाने के वो डिसअपॉइंट हो गए थे, वो निराश हो गए थे, आज उनकी निराशा का हल हुआ है, आज उन्हें उनका आंसर सही मिल चुका है। तो ये दूसरे ऑप्शन का हिसाब था। ठीक है,
तीसरे ऑप्शन पे बढ़ते हैं, ऐसे प्रश्न जिनके एक से अधिक उत्तर विकल्प सही पाए गए हैं के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा यदि किसी भी सही विकल्प का चुनाव किया गया है तो उन्हें अंक प्रदान करते हेतु मूल्यांकन किया गया है। मतलब कि अगर जिसके ऑप्शन कोई भी क्वेश्चन मोर देन वन ऑप्शन सही है, मल्टीपल चॉइस पे आंसर सही है, जिनके विकल्प एक से ज़्यादा सही है, मतलब कोई भी क्वेश्चन है जिसके दो आंसर दो विकल्प हो सकते हैं या तीन विकल्प होते हैं, उन तीनों विकल्पों में से, उन दोनों विकल्पों में से अगर किसी विद्यार्थी ने कोई भी एक विकल्प चुना है तो उनको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, ये क्वेश्चंस आएंगे जिन क्वेश्चन में करेक्शन है या चॉइसेस चेंज हुई हैं सब। और मैं इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो आपका एग्जाम हुआ था वो चार सब्जेक्ट में हुआ था, रीजनिंग, हिंदी, मैथमेटिक्स और जो जनरल नॉलेज और लॉ से रिलेटेड संबंध, मतलब कानूनी संबंध, एक्ट से, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो 40-40 नंबर हर सेक्शन में क्वेश्चन थे, टोटल आपके 160 क्वेश्चन थे, 400 नंबर का आपका एग्जामिनेशन पेपर था और आपको हर सब्जेक्ट में का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना था, मिनिमम 50% क्वेश्चन आपको ठीक करने थे, मतलब 40 में 20 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में आपको लाने थे। ठीक है, सबसे पहले मैं आगे बढ़ता हूँ, जीके की तरफ बढ़ता हूँ। जीके सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे हैं, बादलों को अवरुद्ध करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दो बढ़ा दिए गए हैं स्टूडेंट्स, जिनके विकल्प पहले किसी स्टूडेंट ने A3 ऑप्शन पे क्लिक किया होगा, जिसमें गोबी डिजर्ट, गोबी रेगिस्तान पे क्लिक किया होगा। तो अब इस समय एक ऑप्शन और बढ़ाया गया, टकला मकान डिजर्ट। ठीक है, टकला मकान रेगिस्तान। तो अब इस स्थिति में स्टूडेंट, किसी भी विद्यार्थी ने अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन क्लिक किया हुआ है, कोई भी ऑप्शन पे टिक मार्क किया हुआ है, तो उनको नंबर पूरे मिलेंगे। अगर किसी भी विद्यार्थी में इसके अलावा कोई भी ऑप्शन अगर भरा है तो उसका क्वेश्चन गलत हो गया है, अगर नहीं भरा है तो उनको नंबर नहीं मिलेगा। इस स्थिति में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को नंबर मिलेगा जो इन दोनों ऑप्शन में किसी एक भी ऑप्शन पे क्लिक कर चुके थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, लॉ से रिलेटेड था, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया, मतलब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पेपर से हटा दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया। इस स्थिति में, इस स्थिति के दौरान हर विद्यार्थी को बराबर नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन का बराबर अंक प्रदान किया जाएगा, हर स्टूडेंट को नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। इससे किसी भी स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी ने सही किया है, किसी ने अटैम्प्ट किया है, किसी ने गलत किया है, इससे किसी भी विद्यार्थी के टोटल मार्क्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड की बात करते हैं। एक थर्ड सब्जेक्ट था मेंटल एप्टीट्यूड, जिससे गणित से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग से, गणित से। इसमें क्या हुआ, की चेंज कर दी है। की चेंज का मतलब होता है ऑप्शन में चेंजमेंट हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन में चेंजमेंट हुआ है, वो क्या हुआ है हम देखते हैं। एक क्वेश्चन था, सवाल था, सात लोग पूना कमल ये सब नाम दिए हुए थे और फिर उनके दो स्टेटमेंट दिए हुए, दो कथन दिए हुए थे, केवल कमल विजय और पूना के बीच में। ये रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब श्रेणी से लेकर उनके आधार को सिलेक्ट करिए, उनकी लंबाई और उम्र के हिसाब से उनको स्थिति में लगाइए। तो उसका ऑप्शन चेंज किया गया, पहले कुछ और ऑप्शन था जो इस समय इसका सही विकल्प है, वो चौथा ऑप्शन था, कथन एक और दो में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल को जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब कि जो बोथ द स्टेटमेंट है और नॉट सफिशियंट टू गिवन द आंसर, इसका मतलब ये है। तो ठीक है स्टूडेंट, जिसने, जिस भी विद्यार्थी ने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया था या किया है, उनको बिल्कुल सही नंबर मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है तो आपका ये नंबर गलत हो गया है, क्वेश्चन गलत हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है, निराश ना हो, आगे आपके साले, आगे आपके लिए बहुत सारे, बहुत ज़्यादा खुशखबरी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर मेंटल एप्टीट्यूड का एक और क्वेश्चन है, जिसको मल्टीपल की कर दिया गया, मतलब इसके ऑप्शन एक से ज़्यादा पड़ गए हैं। वो क्वेश्चन किया गया, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसका दिए गए उस शब्दों का अक्षरों का उपयोग करना गठन नहीं किया सकता है। तो ये वर्ड था, ठीक है, ऐसा वर्ड, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसमें से नहीं बनाया जा सकता, ये क्वेश्चन था। तो अब जिस भी विद्यार्थी ने फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड A1 या A2 में से कोई भी ऑप्शन उस एग्जाम देते टाइम भरा था, तो उसको विद्यार्थी का बिल्कुल सही है। अगर कोई भी एक ऑप्शन भरा था, अगर किसी विद्यार्थी ने A1 भरा था तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर किसी ने A2 भरा था उसको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके अलावा और किसी भी विद्यार्थी को कोई नंबर नहीं मिलेगा, अगर किसी ने छोड़ दिया था या किसी ने गलत कर दिया तो उसको इस स्थिति में नंबर नहीं मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन है मेंटल एप्टीट्यूड का, जिसमें क्रो का कोड XILD दिया है, तो मंकी का कोड हमें फाइंड करना था। इसमें लॉजी लगा हुआ रखा था, इसका कोड रिवर्स हो रहा था, वो बात की बात होती है। क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है, क्वेश्चन ड्रॉप की स्थिति में ऐसा होता है स्टूडेंट, जिस भी विद्यार्थी ने अटेम्प्ट किया है या क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया है या क्वेश्चन गलत कर दिया है, उनको नंबर बराबर मिलेगा। इसमें ये मैटर नहीं करता है स्टूडेंट कि आपने सही या गलत किया है, नंबर मार्क जो इक्वल मार्किंग होगी हर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है,
छठा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी में बात करते हैं। उस क्वेश्चन को भी ड्रॉप किया गया, एक क्वेश्चन दिया गया था कि एक वृंदावन एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू स्टेशन के बीच की दूरी तय करता है। इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप कर दिया गया। अगर आपने सही किया, गलत किया है या आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, फिर भी आपको इसका फायदा मिलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप कर दिया गया। क्वेश्चन का मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। एक ठोस समगोलाकार सिलेंडर को पिघलाया गया, सिलेंडर को एक एक सिलेंडर को मतलब सिलेंडर गोलाकार सिलेंडर को मेल्ट कर दिया गया है। फिर उसे समान डायमीटर मतलब समान रेडियस के आधार वाला एक शंकु बनाया गया, मतलब सेम शंकु बनाया गया, कोन बनाया गया। तो उसमें कितने परसेंट उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है, लंबाई कितने परसेंट वृद्धि हुई है, क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। जिस भी विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किया था उस दौरान, या गलत कर दिया था या सही कर दिया था, तो उस स्थिति में क्वेश्चन तीनों विद्यार्थियों को, तीनों तरह के विद्यार्थियों को नंबर बिल्कुल बराबर दिया जाएगा। 8वां क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी का, इस भी क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। तो इस स्थिति में भी आपको नंबर बिल्कुल बराबर मिलेगा। सही गलत या छोड़ दिया है, इस स्थिति में आपसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है तो आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे, नॉर्मलाइज करके आपको बराबर मार्क्स दिए जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी का, इस स्थिति में भी आप क्वेश्चन ड्रॉप किया गया तो आपको बराबर नंबर प्रदान किए जाएंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन ड्रॉप किए गए हैं वो मेंटल एबिलिटी के किए गए हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन 10वां है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मशीन आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 30 पीस ऑफ पी एंड 25 पीस ऑफ क्यू। तो इसमें नंबर ऑफ मशीन के घंटे निकालने थे, तो इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप कर दिया गया। स्टूडेंट, जिस भी विद्यार्थी ने क्वेश्चन गलत, सही या अटेम्प्ट नहीं किया था, उनको भी नंबर प्रदान किया जाएगा। तो स्टूडेंट, ये टोटल 10 क्वेश्चन थे जिनमें करेक्शन आया, की चेंज हुई है, क्वेश्चन ड्रॉप किए गए हैं। तो आपने ये 10 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए गए हैं। हम आपको लिंक में ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, एक बार अच्छे से देख लें। इस दौरान में आपके कट ऑफ में, जैसे आपके किसी भी विद्यार्थी के नंबर 19 आए हैं, मतलब सेक्शनल कट ऑफ में, जैसे हमारे मेंटल एबिलिटी की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है, तो 19 नंबर थे। अब यहाँ पे स्टूडेंट को फायदा मिलेगा, तो वो एग्जाम में अपियर हो गया है, तो अब वो आगे वाले राउंड के लिए अपियर हो जाएगा और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस तरह के विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। तो स्टूडेंट खुश रहें और आगे एग्जाम की तैयारी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पीड अप, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो। आगे लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू स्टूडेंट।